नमस्कार सभी विद्यार्थियों का, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल जगरूप सिंह ज्योग्राफी में। आज हम कक्षा 6 की एनसीईआरटी की सीरीज के अंतिम पाठ पाठ 8 में भारत की जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणियों पर बात करेंगे। जलवायु क्या है, मौसम में क्या अंतर है, इन सब छोटी छोटी चीजों पर कौन सी वनस्पति कहाँ पाई जाती है, छठी की लेवल के हिसाब से बात करेंगे। तो शुरू करते हैं कि भारत में सबसे पहले चीज बात करते हैं जलवायु की, और जलवायु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्लाइमेट। तो क्लाइमेट पर बात करेंगे। अच्छा, एक होता है क्लाइमेट और एक होता है वेदर यानी मौसम। एक होता है मौसम और एक होता है जलवायु। तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले मौसम जो होता है वो अल्पकालीन तापमान, वर्षा आदि की दशाओं को बोला जाता है। यानी एक क्षेत्र में एक दिन का, दिन में तापमान क्या रहा, वहां वर्षा हुई या नहीं हुई, वहां आर्द्रता कितनी है, इन सब चीजों पर। जबकि जब ये ऐसा मौसम किसी एरिया में 30 या 32 साल तक या उससे अधिक एक जैसा रहे, तो जब ऐसा मौसम 30 या 32 साल तक उस एरिया में एक जैसा रहे, तो वो वहां की क्या बन जाती है, जलवायु बन जाती है। तो जलवायु किसी क्षेत्र में दीर्घकालीन, दीर्घ का मतलब ज्यादा लंबे समय की, दीर्घकालीन मौसम दशाओं को क्या बोला जाता है, जलवायु। और जलवायु कितने साल के आसपास की होती है, 30 या 32 साल में अगर किसी एरिया में मौसम एक जैसा रहे तो उसे वहां की जलवायु कहते हैं। चलिए, अब मौसम जो है वो सामान्य तौर पर प्रतिदिन परिवर्तित होता है। प्रतिदिन क्या होता है, परिवर्तित होता है। परंतु हमारे यहां सर्दी का मौसम, शीत ऋतु का मौसम, शरद ऋतु का मौसम या वर्षा ऋतु का जो मौसम होता है, ये 3-3 महीनों के बाद आते हैं। तो ये जलवायु के 4 मौसम हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो प्रतिदिन परिवर्तन होने वाली जो दिशाएं हैं उनको क्या बोलते हैं, मौसम। और इसमें क्या क्या शामिल होता है, तापमान शामिल होता है, इसमें वर्षा शामिल होती है, इसमें सूर्य से आने वाली किरणें शामिल होती हैं, इसमें आर्द्रता शामिल होती है। ये सब चीजें जब एक जगह पर परिवर्तित हो से क्या बोलते हैं, ये, जबकि 32 सालों के मौसम को क्या कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है। और हमारे यहां मौसम कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। सबसे पहले बात करते हैं शीत ऋतु की। शीत ऋतु को बोलते हैं सर्दी, और इसका मतलब क्या होता है, ठंडा मौसम। और ये कहां से, कौन से महीने से, कौन से महीने तक रहता है, दिसंबर से लेकर और फरवरी महीने तक रहता है। दूसरा भारत में जो मौसम है वो है गर्मी की ऋतु, गर्मी ऋतु या ग्रीष्म ऋतु जिसको गर्मी बोलते हैं। इस समय सारा माहौल गर्म होता है, ठीक है, और ये रहता है हमारा मार्च से मई तक। इसके बाद आती है तीसरी वर्षा ऋतु, और वर्षा ऋतु में क्या होती है, वर्षा, ठीक है। और इसे भारत में कौन से मानसून से आती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से आती है, और ये कब से कब रहती है, मई के बाद में जून से सितंबर तक। और अंत में है जब मानसून भारत से लौटता है, उत्तरी पूर्व मानसून, और इसको बोलते हैं लौटता मानसून, और इसको ऋतु कौन सी बोलते हैं, शरद ऋतु। और ये कब होती है, अक्टूबर से नवंबर तक। तो भारत में सबसे पहले हम बात करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले गर्मियां आएंगी, गर्मियां कब होंगी, मार्च से मई तक। उसके बाद में कौन सी ऋतु आएगी, जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु। वर्षा के बाद में वर्षा धीरे धीरे कम होने लगेगी,
उसे कौन सी ऋतु बोलते हैं? शरद ऋतु। और उसके बाद कौन सी ऋतु आती है? सर्दियां की। भारत में ये चार मौसम अपने आप में रिपीट में चलते रहते हैं। शीत ऋतु में क्या होती है? सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती, इसलिए तापमान क्या होता है? कम होता है। जबकि ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं? सीधी पड़ती हैं, इसलिए तापमान क्या होता है? ज्यादा होता है। एक तो दो बात ध्यान रखेंगे कि गर्मी में तापमान ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि इस समय सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं? सीधी। और सर्दियों में तापमान क्यों कम होता है? क्योंकि इस समय सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं? तिरछी। हमने बात की थी पृथ्वी की गतियों वाले चैप्टर के अंदर की चार प्रकार से धरती जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो उस समय सूर्य शीत ऋतु में कहां चला जाता है? दक्षिणी गोलार्ध में। भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। तो उस समय हमारे यहाँ किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए सर्दी होती है। ठीक है, वर्षा ऋतु में क्या होता है? अभी अपने बात की पिछले चैप्टर में कि भारत के साइड में कितने, एक तरफ कौन सा सागर है? अरब सागर। और एक तरफ कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। इनमें क्या भरा रहता है? जल। और महासागर कौन सा है? हिंद महासागर है। यहां से पवनें अपने साथ पानी के साथ आर्द्रता को लेकर आती हैं और आकर भारत में क्या करती हैं? वर्षा करती हैं। ठीक है, इसलिए यहां से वर्षा होती है। और जब मानसून लौटता है तो भारत में कहां वर्षा होती है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। ये कौन सी ऋतु में है? शरद ऋतु में है। चलिए आगे, संसार में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? भारत में। और भारत के किस एरिया में होती है? ध्यान रखेंगे, यहां एक राज्य है मेघालय, और मेघालय में दो जगह हैं, एक चेरापूंजी और एक मौसिनराम। यहां विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है दुनिया में, लगभग 1100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा को सेंटीमीटर में मापा जाता है। तो यह भी ध्यान रखेंगे, चेरापूंजी। आगे बात करते हैं दूसरे बिंदु पर। हमारे चैप्टर में पहला बिंदु जलवायु था, और जलवायु में कितने मौसम है? चार। अब बात करते हैं भारत में वनस्पति पर। वनस्पति का मतलब फसलें वनस्पति में नहीं आती, ऐसी झाड़ियां जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगे। आप कई बार टिब्बों पर झाड़ियां या सामान्य तौर पर सड़कों के किनारे पेड़ लगे हुए देखते हैं, झाड़ियां लगी हुई देखते हैं, उसको हम नहीं उगाते, वो अपने आप ही वर्षा ऋतु आने पर उग जाती हैं। तो ऐसी पेड़ पौधे या ऐसी झाड़ियां जो अपने आप उगती हैं उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक वनस्पति। इसमें कोई भी कृत्रिम योगदान या मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता, यानी बिना किसी मानव के उगने वाली वनस्पति को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक वनस्पति, वे झाड़ियां और पौधे। और भारत में कितने प्रकार की है? ये पांच प्रकार की है। इसी को इसको हम मैप से समझ लेंगे, साथ में उनको पता लग जाएगा कि भारत में किस एरिया में वर्षा ज्यादा होती है और किस एरिया में क्या होता है। चलिए, तो भारत में पहली वनस्पति है उष्णकटिबंधीय है सदाबहार वन। सदाबहार मतलब सदैव इनके ऊपर पत्ते क्या रहते हैं? हरे रहते हैं। तो पहली वनस्पति है उष्णकटिबंधीय है सदाबहार वनस्पति। दूसरी है उष्णकटिबंधीय है मानसूनी या पतझड़ी वनस्पति। पतझड़ी का मतलब पत्ते झड़ जाते हैं जब वर्षा ऋतु जाती है। तो फिर है कंटीली झाड़ियां, और कंटीली झाड़ियां कहां पाई जाती है? मरुस्थल में, इसलिए इसे मरुस्थलीय वनस्पति भी कहते हैं। फिर है पर्वतीय वनस्पति, फिर है पर्वतीय वनस्पति यानी हिमालय में पहाड़ों पर पाई जाने वाली वनस्पति। और पांच नंबर है मैंग्रोव वन। ये वनस्पति कहां पाई जाती है?
दलदली एरियो में, दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। चलिए इन पांचों पर बात करते हैं। जिन क्षेत्रों में वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है वहां कौन सी वनस्पति होती है? सदाबहार। को इतनी वर्षा होगी तो पेड़ों के पत्ते क्या रहेंगे? हरे रहेंगे। तो उन क्षेत्रों में जहां अधिक वर्षा होती है वहां, और इन क्षेत्रों में वनस्पति के पेड़ इतने पास पास होते हैं, पत्तियां इतनी पास पास होती हैं या झाड़ियां, कि सूर्य का प्रकाश नीचे नहीं पहुंच पाता, इतने घने होते हैं और सदा हरे भरे रहते हैं। भारत में तीन जगह पाए जाते हैं, एक केरल में, अंडमान और निकोबार में। और अंडमान और निकोबार कौन सी खाड़ी में है? बंगाल की खाड़ी में। और तीसरा उत्तरी पूर्वी भारत, क्योंकि ये अगर करेंगे तो ये उत्तर और ये कौन दिशा है? पूर्व। तो किस भारत में? उत्तरी पूर्वी भारत में। और प्रमुख वृक्ष है महोगनी, एबोनी और रोजवुड। तो वो वनस्पति जिनके पत्ते सदैव क्या रहते हैं? हरे भरे रहते हैं, ऐसी वनस्पति को क्या बोला जाता है? सदाबहार वनस्पति बोला जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरी है पतझड़ी वनस्पति। पतझड़ी, पत्ते झड़ जाते हैं, तो वर्षा ऋतु आने पर तो इन पर पत्ते क्या हो जाते हैं? उग जाते हैं, परंतु जैसे ही वर्षा ऋतु जाती है इनके पत्ते क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। तो ऐसी वनस्पति, इस वनस्पति को मानसूनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसूनी वनस्पति भी कहा जाता है। शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। भारत में बीच के पूरे भाग में यही वनस्पति पाई जाती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नीचे कर्नाटक के मध्य वाले भागों में, ठीक है, उड़ीसा में, बिहार में। और सागौन यानी सागवान, पीपल, नीम, बांस, ये सब मानसूनी वनस्पति के पौधे हैं। भी कंटीली झाड़ियां शुष्क क्षेत्र में जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम हो। जैसे जैसे हम ऊपर से यानी उस सदाबहार से इसमें नीचे आते जाएंगे, पेड़ों की ऊंचाइयां क्या होती जाएगी? कम। सदाबहार वनस्पति के पेड़ 60 मीटर के आसपास होते हैं, मानसूनी में ये 9 से 45 मीटर, जबकि मरुस्थल में पेड़ों की ऊंचाइयां 6 मीटर से भी क्या होती हैं? कम होती हैं। अब आप खेजड़ी को ले लीजिए, खेजड़ी का पेड़ हो गया, इसके अलावा बबूल हो गया, बेरी होगी आपकी, बेर का पेड़, केर हो गया, ये सब इसी में आते हैं। और भारत का मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान, पंजाब, इस वाले भाग के अंदर ये वनस्पति देखने को मिलती है। यहां मानसूनी, यहां सदाबहार और यहां मरुस्थलीय। पर्वतीय वनस्पति कौन से पर्वत पर देखने को मिलेगी? हिमालय पर देखने को मिलेगी। पिछले चैप्टर में हमने हिमालय पढ़ा है, हिमालय पर देखने को मिलेगी। और इनके पेड़ बोलते हैं कोणधारी। क्रिसमस ट्री आप सबने देखा है, ऐसे होता है कुछ, तो शंकुनुमा होते हैं, कोणधारी होते हैं, 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। और प्रमुख वृक्ष है चीड़, देवदार, लास्ट है मैंग्रोव वन, दलदली। और खारे पानी में, खारे पानी में पाई जाने वाली वनस्पति क्या होती है? मैंग्रोव वनस्पति होती है। और इसका नाम, इसका एक नाम है, ऐसा ही एक वृक्ष है सुंदरी। कौन सा वृक्ष है? सुंदरी। इसीलिए जहां गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके गिरती हैं, वहां कौन सा डेल्टा है? सुंदरवन का डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? पिछले चैप्टर में बात की थी, जब नदी समुद्र में गिरती है तो अनेक भागों में बंट जाती है। तो ये कुछ पांच प्रकार की भारत में वनस्पति थी। अंतिम बात करते हैं, तीसरा पॉइंट इस चैप्टर का, वन्य प्राणी। वन्य प्राणी का मतलब है जो जीव जंतु कहां रहते हैं? वनों में रहते हैं। और हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। राष्ट्रीय पशु हमारा क्या है? बाघ। और बाघ
कहां पाए जाते हैं? जैसे गुजरात जो है, गुजरात शेरों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा अभयारण्य गुजरात का? गिर अभयारण्य। याद रखना है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। और गुजरात का गिर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? शेरों के लिए प्रसिद्ध है। जबकि भारत में हाथी और गैंडे कहां पाए जाते हैं? असम में पाए जाते हैं। याद रखेंगे, हाथी और गैंडे असम में। ऊंट कहां देखने को मिलते हैं? रेगिस्तान का जहाज कहलाता है ऊंट, रेगिस्तान में, ठीक है। और रेगिस्तान भारत में कौन सा है? थार का। इसके अलावा केरल और कर्नाटक में हमको क्या देखने को मिलेंगे? हाथी अधिक देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हिमालय में तेंदुआ, हिमालय में तेंदुआ, भालू, ये सब देखने को मिलेंगे। हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। ध्यान रखेंगे, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। एक और बात, अक्टूबर के पहले महीने हफ्ते को, अक्टूबर के पहले सप्ताह में हम क्या बनाते हैं? जीव सप्ताह बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जीव सप्ताह बनाते हैं। इस बात का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये था कक्षा 6 की एनसीईआरटी का पार्ट नंबर 8 में। हमारी एनसीईआरटी में कक्षा 6 की किताब जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आपकी किताब के हिसाब से अगली प्लेलिस्ट या अगली श्रृंखला में हम कक्षा 7 की किताब को शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।